हाईकोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा नगर निगम और यूआईटी को नदी नालों के मार्ग में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आनासागर और फायसागर झील में जाने वाले पानी में रुकावट बन रहे कच्चे पक्के अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शुक्रवार को न्यास के दल ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत ईदगाह रोड से की। दल ने आरपीएस से होते हुए चौधरी कॉलोनी तक के अवैध अतिक्रमणों को हटाया। मौके पर मौजूद यूआईटी के एक्सीएन एम के माथुर और एएन राजेंद्र कुड़ी ने बताया कि एम्पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमियों को सर्वे के बाद जुलाई में नोटिस दिए गए थे, इसके बाद भी अतिक्रमण जारी रहे जिन्हें आज हटाया जा रहा है। शुक्रवार को यूआईटी के अधिकारियों ने ईदगाह रोड, आरपीएससी और चौधरी कॉलोनी के लगभग 22 चिन्हित अतिक्रमणों को जेसीबी द्वारा जमींदोज कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने नाले पर बाउंड्री वॉल, लेड बाथ और मकान के आगे और पीछे के हिस्सों में अतिक्रमण कर रखा था। ये सभी वो निर्माण हैं जो नदी और नालों के स्वाभाविक बहाव के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि इन निर्माणों को हटा दिया गया तो आने वाले बरसात के मौसम में अजमेर की आनासागर और फायसागर झील एक बार फिर पुराने दिनों की तरह न केवल लबालब हो जाएगी बल्कि अजमेर के भूमिगत जल स्तर में भी सुधार होगा, जिसका लाभ आम जनता को मिल सकेगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो भी आनासागर में पानी के आने के जो नाले हैं उन पर सर्वे करके निशान लगाए गए, उनको अतिक्रमण को हटाया जाना है। उसके तहत आज कार्रवाई यहाँ चोर से आवाज में हो रही है कॉलोनी के अंदर से, तो आज 24 करीब अतिक्रमण हटाए जाने हैं, जिसमें से अभी 7-8 अब हटा चुके हैं। 24 का टारगेट है आज तक का, तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत हो रही है। इसके लिए जुलाई अगस्त में सर्वे किया गया था, निशान लगा के सबको सूचित किया गया था कि इस यहाँ उनकी जमीन जो जो निर्माण कर रखा है वो आएगा, उनको आ जाएगा।